मुंबई है, हिंदुस्तान का तिजारती, सकाफती और तहजीबी मरकज। वो शहर जिसमें मुकम्मल हिंदुस्तान मिलता है। शायद ही ऐसा कोई शहर आपको मिलेगा जो मजहबी, लिसानी और इंसानी बुनियादों पर ऐसी मुश्तरका तहजीब को पेश करता है। मुंबई इस मामले में अपनी जगह खुद पूरा हिंदुस्तान है, जहां मंदिरों के चमकते कलश, चर्च के गूंजते घंटे और मस्जिदों के बुलंद व बाला मीनारों से आती अजान की आवाजें सभी को एक ही तालीम देती नजर आती हैं कि हम सब एक हैं और हमारा बनाने वाला भी। मुंबई की इसी मुश्तरका तहजीब ने हिंदुस्तान को बड़ी अजीम शख्सियतों को दिया है, जिनके कारनामों से सभी वाकिफ हैं। ऐसी ही एक अजीम शख्सियत का नाम है डॉक्टर रफीक जकरिया। 5 अप्रैल 1920, मुंबई के नजदीक नाला सुपारा का छोटा सा कस्बा डॉक्टर रफीक जकरिया का वतन है। ये और बात कि अपनी अमली जिंदगी में उन्होंने औरंगाबाद को अपना वतन सानी बना लिया। डॉक्टर रफीक जकरिया एक सियासी और सामाजिक कारकुन होने के साथ साथ बहुत ही आला पाए के इस्लामी स्कॉलर भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कारकुन की हैसियत से डॉक्टर रफीक जकरिया ने जंग आजादी में भरपूर हिस्सा लिया। वो 25 साल तक महाराष्ट्र की सियासी जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा रहे। वो रियासत महाराष्ट्र के वजीर भी रहे और बहसियत रुकने पार्लियमान कांग्रेस पार्लियमानी पार्टी के डिप्टी लीडर। ये वो दौर है जब श्रीमती इंदिरा गांधी सदर कांग्रेस और वजीर आजम हिंदुस्तान थी। अपने दौरे तालबेलमी में डॉक्टर रफीक जकरिया ने बंबई यूनिवर्सिटी से एमए पास किया तो उन्हें आला दर्जे में कामयाबी पर चांसलर गोल्ड मेडल दिया गया था। वो एक जहीन तालबेलम थे जिन्हें अपने साथियों में अफजलियत का दर्जा हासिल था। वो तालबेलमी के जमाने में अपने असातिज़ा के पसंदीदा तालबेलम रहे। लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री पाने के बाद लिंकन इन इंग्लैंड से उन्होंने बारहटला की डिग्री हासिल की और बंबई वापस आकर कानून की प्रैक्टिस शुरू की, जहां बाद में उन्हें चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया गया था। डॉक्टर रफीक जकरिया ने हिंदुस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया। वो अक्वाम मुत्तहदा में भी हिंदुस्तानी मंदूब के तौर पर शिरकत कर चुके थे। जैसा कि हमने इब्तिदा में बताया, डॉक्टर रफीक जकरिया ने औरंगाबाद को अपना वतन सानी बना लिया था। शायद इसीलिए 9 जुलाई 2005 को जब उनका बंबई में इंतकाल हुआ तो उनका जसद खाकी औरंगाबाद लाया गया और हजारों सोगवारों की मौजूदगी में यहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। डॉक्टर रफीक जकरिया को औरंगाबाद से खास दिली लगाव था। उसकी एक अहम वजह यहाँ से उनकी सियासी वाबस्तगी भी थी। इस इलाके में जब सबसे पहले डॉक्टर रफीक जकरिया ने कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह पूरा इलाका तालीमी तौर पर पसमानदा है और यहाँ के रहने बसने वाले इंतहाई पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि इस इलाके में न सिर्फ तालीमी खिदमत अंजाम दी जानी चाहिए बल्कि उसके साथ ही न सिर्फ रोज़गार बल्कि इंडस्ट्रीज़ को भी इस इलाके में फ़रोग देना चाहिए। चुनाचे सबसे पहले उन्होंने जब इलेक्शन लड़ने का इरादा किया तो औरंगाबाद की सरज़मीन को मुंतखब किया और फिर एमएलए बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया और 1973 में मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी क़ायम की, जिसके तहत मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स का आगाज़ हुआ। औरंगाबाद में आज़ाद कॉलेज का क़याम, इसी कैंपस में लड़कियों की खसूसी तालीम के लिए गर्ल्स कॉलेज और फिर IHM औरंगाबाद के ज़रिए अखलती तलबा की पेशावराना तालीम के लिए होटल मैनेजमेंट कॉलेज का क़याम उनके कई कारनामों में से एक है। शहर में ख़ास तौर पर पर्दादार ख़वातीन
तालीम हासिल करने में बहुत पीछे थी, क्योंकि वो ये समझती थी कि आला तालीम हासिल करने से इस्लाम में फ़र्क आएगा। तो ऐसी ख़वातीन को तालीम देने के लिए एक अलहदा विंग शहर औरंगाबाद में डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया ने जुबली पार्क के पास क़ायम किया। निज़ाम की वो ज़मीन जो बरसा बरस से खाली पड़ी थी उसको निज़ाम से हासिल करके वहाँ यहाँ ख़वातीन के एक विंग का आगाज़ किया, जो आज औरंगाबाद कॉलेज फॉर वुमेन के नाम से मशहूर है। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया जामे उर्दू अलीगढ़ के अपनी आखिरी सांस तक चांसलर रहे। वो महाराष्ट्र कॉलेज बम्बई के सदरनशीन भी थे। अवामी खिदमात का एक अजीम तरीन रिकॉर्ड रखने वाले डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया मुमताज़ इस्लामी दानिश्वर के तौर पर भी इज्जत और एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। मुझे डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया के साथ काम करने का शर्फ़ हासिल हुआ। उनके साथ काम करने का मुझे बहुत लुत्फ़ आया और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने मिला। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया की कई तसनीफ़ात हैं, वो एक मौरख थे और उन्होंने समाजी सियासी मामलों पर काफ़ी किताबें लिखी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो सिर्फ किताबें लिखते तो दुनिया के एक मशहूर मुसन्निफ़ हो जाते। लेकिन आज भी उनका मकाम मुसन्निफ़ के तौर पर बहुत बड़ा है और तालीमी मामलात पर उनको बड़ी महारत थी, बड़ी खिदमात अंजाम दी है उन्होंने तालीम की। और बम्बई शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र में तालीम को फैलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया का शुमार हिंदुस्तान के अहम तरीन दानिश्वरों और फ़िलासफ़रों के दरमियान होता है। वो एक बहुत ही अहम शख्सियत थे। उन्होंने तालीमी मैदान में काफ़ी काम किया। औरंगाबाद जैसे खुश्क इलाके में उन्होंने जो तालीम के लिए काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और एक उनका अहम काम जो मेरे नज़दीक या मैंने जिसको बहुत अहम समझा है, ऐसे वक्त में जब इस्लाम पे हमले हो रहे थे और सलमान रश्दी जैसे नापाक शख्स ने मुसलमानों पर और इस्लाम पर जो तनकीद की थी उसका सही सही जवाब जो है वो उन्होंने अपनी किताब उसी जैसे पेंगुइन ने सैटैनिक वर्सेस छापी थी तो उसी पेंगुइन ने इनकी किताब इस्लाम एंड मोहम्मद छापी और उसका सही जवाब लोगों तक पहुंचाया। ये उनका एक अहम तरीन कारनामा है। और ये एक मुसलमान पॉलिटिशियन थे और निहायत ही साफ सुथरे किरदार के पॉलिटिशियन थे। मैं उनको सलाम करती हूँ। उर्दू जबान और अदब की खिदमत के जज्बे ने डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया को जामे उर्दू अलीगढ़ जैसे संगी मील की तैयारी का जज्बा अदा किया। वो महाराष्ट्र की अदबी सकाफती और तहजीबी जिंदगी का भी उतना ही अहम हिस्सा थे जितना के वो महाराष्ट्र की सियासी जिंदगी का हिस्सा रहे। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया एक सहाफ़ी और कालम निगार भी थे। लंदन में दौरान तालीम उन्होंने न्यूज़ क्रॉनिकल और दी ऑब्जर्वर में काम किया था, जो आर्जी तौर पर था। हिंदुस्तान वापस आने के बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी कुछ अरसे तक मुस्तकिल कालम लिखते रहे। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया समाजी तब्दीलियों के अमल को महाराष्ट्र में तेज तर करने और उनमें नई रूप फूंकने के जिम्मेदार रहे हैं। महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा तालीमी और तरबियती इदारों की तरक्की और तरवीज में उनका भरपूर हिस्सा रहा है। अपनी कौम और मिल्लत के तई अपनी जिम्मेदारी को शिद्दत से महसूस करते हुए डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया ने अपनी 50 साल समाजी सियासी अदबी और तहजीबी जिंदगी में अपनी तकरीर और तहरीर के साथ अमली जिंदगी से भी तब्दीलियां पैदा की जो काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब की जिंदगी में दो बड़े अहम मिशन थे। वो उन्होंने जो कुछ किया उसके उन दो मिशन के मातहत किया। एक तो उनको ये ज़बरदस्त पैशन था कि कौमी यकजहती हो और कम्युनल हार्मनी हो, और उसके लिए वो अनथक कोशिश करते थे। और उन्होंने जितनी भी किताबें लिखीं
जो भी काम किया उसमें जो अंडरलाइन मेन बात थी वो यही थी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो, कौमी यकजहती हो, कम्युनल हारमनी हो, और उसके अलावा उनको जहाँ तक तालीम फैला सकते वो फैलाना चाहते थे, और ख़ास तौर पर अपनी कौम को उनका ख़्याल था कि उससे वो जितना आगे बढ़ेगी, तालीम जितना हासिल करेगी उतना उनके लिए बेहतर रहेगा। तो ये दो मिशन लेकर वो बराबर चलते रहे और आखिरी दिन तक वही काम करते रहे। उन्होंने उनको एक और चीज़ थी और वो थी उर्दू से बहुत रग़बत, बहुत प्यार। उर्दू शायरी से के बहुत करीब थे, बहुत जब पढ़ते थे और बहुत ही उसमें शौक़ था मुशायरों में, और वो हर इंटेलेक्चुअल की, हर एक शायर की लिख नसर और नज़्म दोनों के लिखने वालों की बहुत क़दर करते थे और बहुत कोशिश करते थे कि उर्दू को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया ने उस इलाके के लिए एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन दिया, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और फिर आज पूरा कैंपस मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मेसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से वाबस्ता है। इस तालीमी तरगीबात के अलावा डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया ने यह महसूस किया कि जो तलबा तालीम हासिल करके बाहर आ रहे हैं उनको रोज़गार के मौक़े भी हासिल होने चाहिए। वो एक बेहतरीन ईश्वर और बेहतरीन ख़तीब और बेहतरीन अदीब भी थे। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया ख़ास तौर पर वो नज़रियात के हामी थे जिसके ज़रिए वो हिंदुस्तान के माशरे में मिली जुली तहज़ीब की अक्कासी करते थे। नतीजा ये है कि उन्होंने जहाँ अबुल कलाम आज़ाद पर किताब लिखी, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर किताब लिखी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी किताब लिखी, और ख़ास तौर पर उनकी इस किताब का जिक्र तो लाजमी है जो उन्होंने स्ट्रगल विद इन इस्लाम किताब लिखकर यह साबित किया कि आज के 14वीं सदी के तकाज़ों के पस मंज़र में इस्लाम वो तमाम उसूल बता चुका है जिस पर अमल करके आज का इंसान एक बेहतरीन मुसलमान और एक बेहतरीन शहरी और एक बेहतरीन हिंदुस्तानी बनकर मुल्क की कौम की खिदमत कर सकता है। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया की तमाम किताबों के पस मंज़र में हम जायज़ा लेते हैं तो यह अंदाज़ा होता है कि उन्होंने मसावात को पेश नज़र रखा। ख़ुद मौलाना आज़ाद एजुकेशन संघ जब बनाया तो उस वक्त भी अक्सरियत और अकलियत को दोनों को साथ रखा, और वो महात्मा गांधी के सच्चे पैरो थे और गांधियाई उसूलों पर कारबंद थे, और वो सब चीज़ छोड़ सकते थे लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख़िलाफ़ एक चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करते थे। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया ने सिर्फ एक कॉलेज नहीं खोला, एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, बल्कि उस कॉलेज से निकले हुए वो तलबा जो मुख्तलिफ इलाक़ों में गए वो तमाम अपने इलाक़ों में एक एक कॉलेज खोलने के सजावार बन गए। नतीजा ये कि डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया का ये एक कॉलेज मराठवाड़े में ज़ायद अस 200 कॉलेजों को कायम करने का ज़रिया बना, और ये 200 कॉलेज पूरे के पूरे
ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के कॉलेजेस हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ज़करिया साहब ने मेमारी का काम अंजाम दिया। ज़करिया साहब ने मराठवाड़े में तालीमी सकाफ़ती सरगर्मियों को बहाल किया। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को मैं तालिब इल्म के ज़वाब से जानता हूँ, और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया जो है हैदर इस्लाम में भी उनके साथ हम काम किए, वहाँ की वो सदर रहे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपना काम बढ़ाया औरंगाबाद में, और औरंगाबाद में उन्होंने मौलाना आज़ाद और जो इंस्टीट्यूशन से उसके बारे में उन्होंने ज़बरदस्त नुमाया काम किया, और वहाँ उन्होंने मुसलमानों के लिए तरक्की की राहें, सरती राहें और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आज एक ये सिर्फ औरंगाबाद का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक मुमताज़ अदारा कहा जाता है इनको। रफ़ीक ज़करिया साहब उर्दू अकादमी के पेशेवर चेयरमैन रहे, और हमने पहले कहा था कि उनके दफ्तर का हमने इंतज़ार किया था, और ज़करिया साहब जो है वो एक बेहतरीन मुसन्निफ, एक बेहतरीन मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो ट्रांसलेशन उर्दू इंग्लिश में किया बहुत से मज़ामीन का उर्दू से, वो एक मैं कहता हूँ नुमाया उनका काम है। और ज़करिया साहब जो हैं वो हमेशा हमेशा जो है काम करते रहे, आखिर दम तक कामते रहे, और वो एक अच्छे मुसन्निफ, अच्छे मुअर्रिख और अच्छे सियासतदान रहे। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने जहाँ एक तरफ मिल्लत के बच्चों की तालीम पर गौर व खोज किया और उसे अमली जामा पहनाया, दूसरी तरफ उन्होंने मुस्तकबिल को जहन में रखकर अपने बच्चों को भी आने वाले कल के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में उनके चारों बच्चों ने उनके मिशन को कामयाब करने में अहम तरीन रोल अदा किया। उनके साहबजादे अरशद ज़करिया अमेरिका के सबसे बड़े माशी इदारे इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह हैं, जबकि दूसरे साहबजादे फरीद ज़करिया दुनिया के मारूफ तरीन मैगजीन न्यूज़वीक के एडिटर हैं। साहबजादी तस्नीम ज़करिया इंटैक मुंबई की कन्वीनर हैं, जबकि उनके एक और साहबजादे मंसूर ज़करिया अमेरिका के एक बहुत ही मारूफ बिजनेसमैन हैं। डॉक्टर साहब अपने बच्चों से को बहुत चाहते थे, चारों बच्चों के साथ उन्होंने बहुत वक्त गुजारा, और हमेशा चाहे कितने मसरूफ़ हों वो बच्चों के लिए बराबर वक्त निकालते थे और उनको सिखाते रहते थे, उनको हर बार कभी कुछ पढ़कर सुनाते थे, कभी कुछ न कुछ, हमेशा उसके उनका वक्त जो सर्फ हो उसमें कुछ न कुछ सबक देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, उनको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए था। वो नाराज़ होते थे हम सब पर अगर हमने काम में ज़्यादातर वक्त नहीं गुजारा, और अपने पोतों को अपने नवासियों को बहुत चाहते थे और बहुत ही प्यार और मोहब्बत देते थे। जनूबी हिंद में शहर औरंगाबाद को ख़ास तौर पर इंडस्ट्री से वाबिस्ता करने वाली शख्सियत डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की है। उन्होंने बम्बई के बड़े बड़े प्लांट रखने वाले मुख्तलिफ इदारों को रागिब किया कि वो औरंगाबाद की तरफ चलें और वो अपनी इंडस्ट्रीज़ क़ायम करें।
नतीजा ये हुआ कि आज वालूज का पूरा एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, ये तमाम इलाके में इंडस्ट्रीज़ कायम करने के लिए बम्बई को लोगों को औरंगाबाद रागिब करने में ज़करिया साहब ने अहम रोल अदा किया। उन्होंने इतने सारे कॉलेजेस जो बनाए, इतनी उसमें मेहनत की, और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बहुत काम करने वाले थे। उन्होंने कभी 15 घंटों से कम काम नहीं किया दिन में, बल्कि ज़्यादा। और अपने हाथों से हर ख़त को लिखते थे, हर ख़त को ड्राफ्ट करते थे, छोटी से छोटी चीज़ वो अपने हाथ से करते थे। चाहे वो छोटे से महकमे में ख़त जा रहा हो या किसी बड़े से बड़े बड़ी से बड़ी जगह जा रहा हो, लेकिन वो हर चीज़ अपने आप, वो तमाम टीचर्स को ख़ुद सिलेक्ट करते थे, वो बच्चों के सिलेक्शंस में ख़ुद बैठते थे। और बस यही उनकी चाह थी। और उन्होंने मैंने उनके साथ 45 साल गुजारे, उन्होंने 45 साल यही कोशिश करते रहे, आखिरी दिन तक वो काम कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डॉक्टर रफीक ज़करिया को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा था, वो एक हकीकी मुहिब वतन, कौम परस्त और अजीम स्कॉलर थे। डॉक्टर रफीक ज़करिया की मौत से हिंदुस्तान एक ऐसे रहनुमा और दानिश्वर से महरूम हो गया जो बैनुल मज़ाहिब समझदारी के जरिए हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने में मसरूफ था।
इस्लामी तारीख के एक मौरिख के नाते और बहसियत मुफक्किर डॉक्टर रफीक ज़करिया ने सियासत और इल्म को करीब लाकर जो मुकाम अता किया वो हिंदुस्तान की तारीख के सफात पर हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहेगा।